हम उसको मिट्टी में मिला कर रख देंगे। एक शेर पढ़कर कारी मुजम्मिल हयात साहब तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। जी मदीना जाना चाहते हैं जी, एक बार तड़प कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब थोड़ा सा भाई इधर वाले भी तैयार हो जाए, मेरे भाई थोड़ी सी लाज रख ले भाई, कह दीजिए सुभान अल्लाह जी, कि खुदा एक बार बस एक बार बुलवाए मदीने में, खुदा एक बार बस एक बार बुलवाए मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में, और जमाने में कहीं आए तो उससे डर भी लगता है, फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में, जमाने में कहीं आए तो उससे डर भी लगता है, फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। अब आइए दोस्तों मुशायरे को जहत में बदलने की बात आती है, और मुजाहिदाना रंग और आहंग से लबरेज करने की बात आती है, तो पूरे मुल्क हिंदुस्तान के मुशायरे और जलसे वालों की जुबान पर एक नाम आता है जिसे दुनिया सल्तनत सुखनवरी का वजीर आजम अली जनाब आबरूए सीतामढ़ी जनाब कारी मुजम्मिल हयात के नाम से जानती है। आइए इस वक्त उनका इस्तकबाल खैर मकदम वेलकम स्वागतम अहलन व सहलन व मरहबन शेर के साथ के पहनकर जिस्म पर अरबी लिबास रहते हैं, लिए जुबानों अदब की मिठास रहते हैं, और हमें उनका पड़ोसी बना दे ऐ मौला, जो लोग शहरे मदीना के पास रहते हैं। मुकर्रमी सामने गिराम डाइस पे तशरीफ फरमा हजरत शोरा इजाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। खैरियत से हैं आप लोग? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि किसी कब्रिस्तान से गुजरा, सलाम किया तो मुर्दे तो जवाब देते नहीं हैं, तो वैसे ही मुझे एहसास हुआ इस वक्त। तो जिंदा लोग बैठे हैं ना माशाल्लाह, जब जिंदा बैठे हैं तो जिंदा दिली का सबूत करें और मोहब्बत से जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। देखिए आपका ये आज का जो बैनर है, एक तरफ नातिया मुशायरा भी है और एक तरफ कौमी एकता भी है। तो अब यहाँ से नातिया प्रोग्राम का आगाज होना है, मगर मैं भी दो चार कतें सुना करके जाऊंगा इंशाल्लाह कौमी एकता के हवाले से। तो तैयार हैं सुनने के लिए? मैं एक मतला, मैं भाई जकी साहब और उनके तमाम रफका, उनकी पूरी टीम, उनकी कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने आज के इस खूबसूरत से प्रोग्राम का मुझे हिस्सा बनाया, और बिला किसी तमहीद के चार मिसरे पढ़ना चाहता हूँ और हाजिर करता हूं बतौर खास मुलाहजा फरमा। इजाजत है? पूरा मजमा हाथों को उठा करके बताएं। असल में आप इतनी दूर बैठे हैं कि आवाज आपकी यहां तक पहुंच नहीं रही है, तो कम से कम हाथ उठा देंगे तो समझ में बात आ जाएगी कि आप लोग सुन रहे हैं माशाल्लाह। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं बतौर खास मुलाहजा फरमा लें। कौमी एकता के हवाले से कुछ कतात हाजिर कर देता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह नाते पाक के अच्छे शेर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हाजिर कर रहा हूँ मुलाहजा फरमाएं कि अमेरिका हो चीन या पाकिस्तान हयात, चौथे मिसरे पे बेदारी आपकी आए। हाजिर कर रहा हूँ मुलाहजा करें कि अमेरिका हो चीन या पाकिस्तान हयात, के अमेरिका हो चीन या पाकिस्तान हयात, के एक पल में बुनियाद हिला कर रख देंगे, के अमेरिका हो चीन या पाकिस्तान हयात, एक पल में दुनिया ढीला कर रख देंगे, एक पल में दुनिया ढीला कर रख देंगे, आंख उठा एगा जो अपने भारत पर
हम उसको मिट्टी में मिला कर रख देंगे। बहुत अच्छे। इस पूरे मजमे में जनाब अब्दुल कलाम साहब ही ऐसे वाहिद शख्स हैं जो माशाल्लाह नवाज रहे हैं। माशाल्लाह आप लोग तो हाथ उठा के नवाज रहे हैं, वो लिफाफे से वही एक शख्स जो नवाज रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बेस कम कर दीजिए और थोड़ी सी आवाज और लाउड कर दीजिए। हाजिर कर रहा हूँ मुलायदा फरमाए के अमेरिका हो चीन या पाकिस्तान एक पल में बुनियाद हिला कर रख देंगे। आँख उठाएगा जो अपने भारत पर, आँख उठाएगा जो अपने भारत पर, हम उसको मिट्टी में मिला कर रख देंगे। हम उसको मिट्टी में मिला कर रख देंगे।